चलिए, इसमें हमें क्या करना है, एक हमें मार्कशीट बनाना है। मार्कशीट बनाना है किस तरह से, जो टोटल सब्जेक्ट हैं और स्टूडेंट हैं उनका रोल नंबर डिक्लेयर किया है, कितने सब्जेक्ट हैं, इस तरह से हम मार्कशीट बनाते हैं। हमें मार्कशीट में क्या करते हैं, टोटल्स, ये सम कैसे करना है, टोटल कैसे करना है, तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। हमें क्या करना है, ये जो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, मैथ के जो नंबर्स हैं उनको टोटल करना है। कैसे, बहुत ही शॉर्टकट है इसका। पहले तो कोई भी फॉर्मूला पुट करने के लिए एमएस एक्सेल्स में इक्वल टू साइन देना मेन होता है, इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट। कहाँ से, एड्रेस क्या है इसका, जो हमें हिंदी से लेके और मैथ तक डिक्लेयर करना है। तो हिंदी कौन से कॉलम में है, डी नंबर के, और जो रो है वो 5 है। यहाँ से हमें रो देख लेनी है कि रो कौन सी है, ये 5 नंबर की है, तो रो 5 में हमें डिक्लेयर करना है। D5 से लेके I5 तक ये किया और एंटर कर देना है। जैसे एंटर करेंगे, पूरे सबका ऑलरेडी ये ड्रैग एंड ड्राइव फैसिलिटी होती है एक्सेल की, कि एक का हम करते हैं सभी का ऑलरेडी हो जाता है। अब हमें निकालना है कि जो टोटल्स नंबर हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इनमें से मिनिमम नंबर किस सब्जेक्ट में है। तो इसका भी फार्मूला, बिना फार्मूले के हम डायरेक्ट वैल्यू सर्च करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। हमने क्या किया, इक्वल टू मेन, मिनिमम यानी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। कहाँ से फाइंड करना, एड्रेस हमारा वही रहेगा D5 से I5 तक, ये इस तरह से आपका मिनिमम नंबर आ गया, हर एक सब्जेक्ट का मिनिमम्स। अब निकालना है हमें क्या, मैक्सिमम्स, मतलब जो वैल्यू है, 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में है। तो इसके लिए मैक्सिमम D5 से एड्रेस हमें वही रखना है हर एक I5 तक, और ये ब्रैकेट ओपन किए, ब्रैकेट क्लोज, ये इस तरह से डिक्लेयर कर दिया। ये मैक्सिमम्स आ गया कि जो मैक्सिमम्स है वो कंप्यूटर में 85 है, ये आपके मैक्सिमम्स आ गए। अब आता है कि आपको परसेंटेज कैसे निकालना है, परसेंटेज कैसे निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इक्वल टू लगा दें, क्योंकि डायरेक्ट ये बहुत ही शॉर्टकट है, मतलब डायरेक्ट निकालना है आपको परसेंटेज किसी दिए गए टोटल कैलकुलेशन का। तो टोटल वाला एड्रेस कहाँ पे है, जैसे हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे कि जे, अगर ऐसा इस तरह से ना करें तो हम डायरेक्ट उसका एड्रेस दे दें, क्या है एड्रेस, इक्वल टू J5 इंटू 100 डिवाइड बाय 600। और जैसे हमने इंटर किया, ऑलरेडी सबकी परसेंटेज डिस्प्ले कर दी। तो इस तरह से हमने क्या किया, सम किया, टोटल जो नंबर है उनमें टोटल निकाला, उसमें से सबसे कम मिनिमम्स नंबर फाइंड किए किस सब्जेक्ट में, किस स्टूडेंट को कम नंबर्स हैं। इसके बाद हमने मैक्सिमम्स नंबर निकाला, स्टूडेंटों की जो लिस्ट है और रोल नंबर्स, ये इस तरह से बनाए हुए हैं, और इसमें जो डिक्लेरेशन है कि मैक्सिमम्स, मिनिमम्स, परसेंटेज, तो परसेंटेज का हमने ये डिक्लेयर किया। इस तरह से हम एक सिंपल मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं।